राज्यसभा में हमारे नेता श्री पीयूष गोयल जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, तेलंगाना का समग्र नेतृत्वगण और आज इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के अंदर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक मुंड ही मुंड दिखाई रहे हैं। आप सभी तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हैदराबाद के अंदर ये भाग्यनगर शहर के अंदर तेलंगाना में राष्ट्रीय कारोबारी का आयोजन किया था। अध्यक्ष जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहां कारोबारी संपन्न हुई है। मैं तेलंगाना स्थापना दिन के दिन भी यहां पर आया था, आज भी आया हूं। मैंने तेलंगाना का मूड देखा है। मैंने एक बात आज घोषणा कर जाना चाहता हूं कि केसीआर जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। मित्रों, टीआरएस की स्थापना तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुई थी। उस वक्त तेलंगाना की जनता ने नीलू, निदुलू और नियमकालू ये तीन सूत्र दिए थे। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, नीलू मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? निदुलू मिला है क्या? और नियमकालू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। केसीआर, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की। जब से तेलंगाना की रत्ना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने तेलंगाना की रचना को सालों तक रोक कर रखा। जब 2014 में लगा कि मोदी जी आने वाले हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। और मित्रों, विभाजन भी ऐसे किया कि दोनों राज्यों के बीच में कभी न मिटने वाली कटुता करी। अटल जी ने भी 3 राज्य बनाए थे, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, कहीं कटुता नहीं हुई। कांग्रेस ने दोनों राज्यों को लड़ाने का काम किया और वो आग को भुनाकर केसीआर ने सत्ता हथियाने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है?
गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग, इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं, पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं मना बताओगे, मैं बताता हूं। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। भाइयों बहनों, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे युवा हैं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको, एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय, अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं, तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आज इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं, मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, नड्डा जी और संजय बंडी भी भाषण करने वाले हैं, मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीआरएस ने जो नहीं किया वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मैं फिर से एक बार आपके विराट जन समर्थन के लिए हाथ जोड़कर तेलंगाना की महान जनता का धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी और दोनों हाथ, भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।